हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मिनट टिप्स एंड वेलकम बैक टू द वीकेंड फ्राइडे रिव्यू सीजन 2 एपिसोड नंबर 9। तो आज मैं आप सबके साथ जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है एवर यूथ का पील ऑफ। तो ये है इस प्रोडक्ट का रिव्यू आज मैं जिसका करूँगी, तो ये है एवर यूथ नेचुरल्स गोल्डन ग्रो पील ऑफ। तो अब इसमें नेचुरली ग्रोइंग स्किन का ये लोग क्लेम करते हैं, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके, और ये गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है एंड इसमें लिखा भी है पील ऑफ विद 24 कैरेट गोल्ड। तो जितना मैंने इसको यूज़ करा है उससे मैं ये बोल सकती हूँ कि 24 कैरेट गोल्ड का तो आई डोंट नो, बट हाँ इसका जो लुक एंड फील है ना, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी आपको शायद माइट भी दिख नहीं रहा हो कि ये धीरे धीरे गिरता जा रहा है, बट हाँ ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा है मुझे। पील ऑफ के केस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा आपको। हाँ, इसको भी फर्स्ट लेयर लगाने के बाद, मतलब मैं जो जिस तरीके से लगाती हूँ, पहले हल्का सा लेयर लगा लेती हूँ फिर उसके ऊपर एक और लेयर लगाती हूँ सो दैट थोड़ा थिक लेयर बन जाए। अदरवाइज़ जब आप इसको अगर पतला लेयर लगाएंगे तो आप पील जब करेंगे तो ये आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है तो आपके रेडिश मार्क्स आ जाएंगे, ब्लेमिशेस हो जाएगा थोड़ा सा आपके स्किन पर, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पील ऑफ का जैसे आपका यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी स्किन की डेड स्किन होती है ना वो आपकी क्लियर हो जाती है, मतलब आपके पील ऑफ मास्क के साथ वो आपकी डेड स्किन भी पील हो जाती है। और ये इसको यूज़ करने के बाद मुझे बेनिफिट नज़र आया है कि जब भी मैंने इस पील ऑफ को यूज़ करा है तो मुझे अपनी स्किन के अंदर डिफरेंस नज़र आया है, मेरी स्किन पहले से और ज़्यादा क्लियर लगने लगती है, ग्लो आ जाता है मेरे फेस पे, तो ये चीज़ मैंने फील करी है। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आई थिंक 105 रुपीज़ का ही है, रेस 105 का है, और इसको मैंने बहुत 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि मैं पील ऑफ 15 डेज़ में एक बार ही करती हूँ तो इसलिए मेरा प्रोडक्ट कम यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने इतने लेट आपके साथ ये रिव्यू शेयर करा। मैं चाहती थी कि इसको एटलीस्ट 4-5 बार मैं यूज़ कर लूँ, उसका डिफरेंस मैं देख लूँ तभी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ। ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, फेस पे ग्लो आ जाता है जैसा कि ये क्लेम कर रहा है, बस मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये 15 मिनट में मेरी स्किन में ड्राई नहीं होता है, मुझे 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है पील ऑफ को ड्राई होने के लिए, उसके बाद ही मैं पील ऑफ कर पाती हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस प्रोडक्ट के साथ। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।